स्वागत 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 आप सभी का मेरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस के लेक्चर्स में, जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूं। मैं निखिल गोयल आप सभी का तहे दिल से दिल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी खुशहाली की और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का लेक्चर लेकर आया हूं। इसी तरीके से आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने पहले सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, सर्वेइंग इंजीनियरिंग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, भैया आपको उसी तरीके से, उसी शानदार कंटेंट के साथ, उसी एनर्जी के साथ बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए आया हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाता हूं मैं यूट्यूब पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सिर्फ थ्योरी नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिकल भी, और थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना भी सिखा सकूं। देखिए, पढ़ाना अलग चीज होता है, पढ़ाते हुए सिखाना अलग चीज होता है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ सिखा भी सकूं, ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर भी बन सके। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज मैं आप लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के टॉपिक लेकर आया हूं। आप लोगों को फुल डिटेल में मेरी तरफ से बीएमसी के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें मैं ऑल सिलेबस ऑफ द बीएमसी रिगार्डिंग ऑल जेई एंड पीएससी एग्जाम ऑफ द इंडिया कवर अप करूंगा और एनर्जेटिक वे में पढ़ाऊंगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ना मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। प्लस कोर्स का मतलब क्या होता है? सर, आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको हर वो चीज़ मिलती है जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है, जैसे कि लाइव लेक्चर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर, आप लोगों को कंटेंट मिलता है, आप लोगों को हर लेक्चर की पीडीएफ मिलती है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, प्लस हर चीज को क्रैक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न की जरूरत होती है, एक प्लानिंग की जरूरत होती है, और यहां पर हर चीज प्लान के हिसाब से होती है। जिस दिन हमें क्या पढ़ना है वो पहले से तय होता है, तो आप लोगों को हर वो चीज मिलती है जो आपको एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा जेई एस्पिरेंट बनाने में कारगर सिद्ध होती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, कि आप मेरे प्लस कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह के डिटेल कंटेंट को गैदर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी टीम से जुड़ने के लिए, जी हाँ, मेरी पूरी टीम से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो कि भारत के टॉप एडुकेटर कैटेगरी में से आती हैं, उनसे जुड़ने के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। सर, ये कोड कहलाता है एनजी लाइव, एन फॉर निखिल, जी फॉर गोयल, और लाइव मतलब आपको पता ही है। सो भैया, एक छोटा सा ना बेनिफिट होता है, जब इस कोड को अप्लाई किया जाता है तो आप लोगों को 10% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पर। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा मुस्कुराइएगा, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि आपका कोई फ्रेंड है वो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है, वो इस कोड को अप्लाई कर सकता है, उनको भी, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों। यहां पर अनअकैडमी पर 32 एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, तो उन 32 के 32 फील्ड में एडमिशन के लिए, एडमिशन के टाइम पर ये कोड अप्लाई करके वो 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, जब आप पेमेंट करो ना, तो पेमेंट करते टाइम आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है हैव अ रेफरल कोड का। सर, हैव अ रेफरल कोड की जगह जब आप एनजी लाइव कोड अप्लाई करते हैं, इस एनजी लाइव कोड में आप लोगों को 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली देखने को मिलता है, तुरंत की तुरंत आपकी कॉस्ट घटकर एक साल की इतनी और दो साल की इतनी हो जाती है। तो मुस्कुराइएगा जब आप ये कोर्स ले लो, क्यों, आप मुझसे जुड़ जाएंगे, प्लस आपको वो हर बेनिफिट मिलेगा जो एक प्लस मेंबर को मिलता है, कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तैयारी जम के होती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं लास्ट मिनट तक भी बच्चे का साथ ना छोड़ू और उसको पढ़ाने का प्रयास करूं। मेरे सैंपल लेक्चर्स यूट्यूब पर बहुत सब्जेक्ट पढ़ा रखी है, सर्च करिए निखिल सर। भैया, इन सभी इंफॉर्मेशन के बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं आप सभी को, बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हाल ही में अभी एक बुक लॉन्च हुई है, कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मेरी बुक लॉन्च हुई है अभी। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, अमेजोन पे ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी, अमेजोन पे आप सर्च करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। बुक का नाम है कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्रस्ट टू कोर बाय वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इस बुक में मैंने जेई की प्रिपरेशन के लिए वो कंटेंट दे रखा है, मेरी अश्योरिटी है कि 90-95% क्वेश्चन इसी बुक में से आप लोगों के आएंगे और आए भी हैं। आप सर्च करिएगा गूगल पर वन लाइनर,
वन लाइनर मेरी इतनी फेमस हुई थी, इतनी कारगर सिद्ध हुई थी कि बच्चों के कई एग्जाम सिर्फ एक कैटेगरी के नहीं, भारत में होने वाले किसी भी जेई के, चाहे वो स्टेट जेई हो, चाहे वो पीएसयू का हो, पीएससी का हो, किसी भी हो, उसमें 85-90% कंटेंट मेरी किताब से ही आता था। अब मैंने अपनी किताब को अपडेट किया है, फुल डायग्राम, फुल एरर प्रूफ, फुल कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया है, तो मैं श्योरिटी देता हूं 90-95% आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इतना सिलेबस पढ़ने से अच्छा है ये 700 पेजेस की किताब पढ़िए, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे कहने से नहीं, बच्चों के फीडबैक से पढ़िएगा, जो बच्चे इनको पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा कि इस किताब में क्या है। याद रखिएगा, कहां पर मिलेगी आप लोगों को? Amazon पर। आप जब इस किताब का नाम लिखेंगे तो आपको पहली ही किताब मेरी दिखेगी, ये मेरी किताब का कवर है। कॉस्ट Amazon पर ही पता लगेगी, फीडबैक Amazon पर ही पता लगेगा, काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फुल अपडेटेड बुक है, कुछ भी कमी नहीं है, कोई डायग्राम ऐसा पुअर नहीं है, सब कुछ ढंग से, इत्मीनान से, शांति से और तरीके से ड्रॉ करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, जेई की प्रिपरेशन के लिए इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस किताब के अंदर आप लोगों को, बाकी आपकी स्टूडेंट से बातचीत होगी तो वो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। सो चलिए सेशन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, और इसी के साथ सर्वेइंग, इरिगेशन और सॉइल मैकेनिक्स इसी प्लेटफॉर्म पर फुल लेक्चर दे चुका हूं। पढ़िए, जानिए, सीखिए, और ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर मुझे फॉलो कर लो। मेरी कुछ फ्री क्लासेस आती हैं वहां पर, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता लग जाएगा मैं कब कब फ्री क्लासेस लेता हूं, काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है? तो याद रखिएगा इस चीज को, चलिए सेशन को देखते हैं। इन दिस सेशन मेरे प्यारे दोस्तों, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सीमेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सीमेंट टॉपिक। इसके बाद इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को मोर्टार पढ़ा दूंगा पूरा, इसी के साथ मैं आपको आज ही के सेशन में मोर्टार करा दूंगा, समय बचता है तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्रीगेट भी करा दूंगा, ठीक है? तो आज के सेशन में ये हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बार ये बताइए, जितना भी अभी तक मैंने सीमेंट के बारे में आपको पढ़ाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से ये सब बताओ। हाँ जी, ओके, बेंडिंग एंड वर्केबिलिटी सेम, ना 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 सेट टू यू दिस नथिंग, रीडिंग एंड वर्केबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोसेस ही डिफरेंट है। I can say that, मेरी बात को समझने का प्रसाद यहाँ पर प्रस्ताव रखूंगा, वो चीज क्लियर करना। बात आती है ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग इज नोन टू बी एज द एक्सपल्शन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द सर्फेस, एक्सपल्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम सर्फेस या अपॉन सर्फेस या ऑन सर्फेस आफ्टर मोल्डिंग, इतना समझ में आता है आफ्टर मोल्डिंग। अभी बात आती है यहाँ से वर्केबिलिटी, आप सबको पता है वर्केबिलिटी इज डिफाइंड एज व्हाट, Workability is ease of mixing, transporting and placing. ये कहलाता है workability। तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आ रही है, कहाँ difference हो, कहाँ similarity नजर आई? भाई दोनों बिल्कुल process ही अलग है, दोनों process बिल्कुल अलग है। But I can say that यहाँ पर one thing that is important note करके लिखना कि bleeding can be the directly proportional to workability. Everybody knows that कि workability is directly proportional to water content. Workability is directly proportional to the water content and bleeding also is directly proportional to the water content. So I can say that कि workability is also directly proportional to the water content. That is not same. समझ में आया आपको जो मैंने कहा? तो ये आपका छोटा सा एक कंसेप्ट, आप लोगों को ये चीज समझनी है। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहां से कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। सो इन द यस्टरडेज लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, और टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट में हम लोगों ने, मेरी ख्याल में, सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई सेंड इट? यस ऑब्वियसली यू कैन। कंसिस्टेंसी हम लोगों ने डिटेल में कर लिया था और उम्मीद है समझ आ गया होगा, उसी के साथ सेटिंग टाइम भी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। तो आज फर्दर स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला टॉपिक जो आज का बनता है, दैट इज नोन टू बी एज द साउंडनेस टेस्ट,
साउंडनेस टेस्ट है। तो साउंडनेस टेस्ट क्या होता है? पहली बात तो साउंडनेस क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, साउंडनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, रेजिस्टेंट टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं होगा उसकी रेजिस्टेंस को बोला जाता है साउंडनेस। एवरीबडी हैव अ कंसीडरेशन। हां तो अभी बात आई यहां से, रेजिस्टेंस टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज नोन टू बी एज अ साउंडनेस। सो अभी एक और चीज आती है यहां से कि ये तो हुआ ठीक है, हाउ डज इट शुड बी मेजर्ड। हां तो अभी इट इज मेजर्ड बाय टू मेथड्स, इट इज मेजर्ड बाय टू मेथड्स। कौन कौन से वो दो मेथड होते हैं, वो कौन कौन से दो मेथड होते हैं? पहला मेथड तो आपके पास आता है ली चटेलियर मेथड, पहला बात तो आपके पास आता है ली चटेलियर मेथड, एंड द अनदर वन इज नोन टू बी एज द ऑटोक्लेव मेथड। तो ली चटेलियर में एक बात हमको याद रखनी है, मैंने आपको ये शायद पहले भी बता रखा है कि इट मेजर्स द साउंडनेस ओनली ड्यू टू द लाइन, इट मेजर्स द साउंडनेस ओनली ड्यू टू द लाइन। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, उससे पहले प्लीज एक बार होल्ड करने की जरूरत पड़ रही है, एक मिनट का होल्ड रखिएगा गाइस। चले अभी बात आती है, थैंक यू फॉर कॉम्प्रेटिंग विद मी। इट मेजर द साउंडनेस ड्यू टू द लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन के कारण साउंडनेस मेजर करता है। अभी मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा, ये सबको पता है, सबने पहले पढ़ रखा है। ट्रिक क्या बन रही है, एल फॉर ली और एल फॉर लाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। सेकेंड टेस्ट इज व्हाट, सेकेंड टेस्ट इज द ऑटोक्लेव टेस्ट, सेकेंड टेस्ट इज द ऑटोक्लेव टेस्ट। अभी मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा जो तुम्हें पता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता और तुम्हें पता लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उस चीज का इंतजार करिएगा, उससे पहले ये जानना जरूरी है, इसलिए गौर फरमाते रहिएगा जो भी बोल रहे हो। इट मेजर्स द साउंडनेस ड्यू टू लाइन एंड मैग्नीशिया, दोनों के कारण आप लोगों की साउंडनेस मेजर करता है, लाइन और मैग्नीशिया के कारण साउंडनेस मेजर करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है यहां पर प्यारे बंधु कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जरा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम मेजर थिंग पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग ली चटेलियर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ली चटेलियर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मोल्ड होता है इस तरह का मोल्ड होता है, एक शेप होती है, और आप ध्यान रखेंगे यहां से मेरे प्यारे बंधु, इस मोल्ड की ना गहराई होती है, इस मोल्ड की गहराई भी होती है, मतलब तो समझ रहे हो, सिलेंड्रिकल मोल्ड है ये, क्या है, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है मेरे पास, इस मोल्ड की गहराई भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है, इट इज ऑल्सो समथिंग एक। तो मैंने कहा इट इज अ सिलेंड्रिकल मोल्ड, और उस सिलेंड्रिकल मोल्ड का डायमेंशन क्या होता है, उसका डायामीटर होता है 30 एमएम का, और मेरे पास उसका जो हाइट होता है दैट इज ऑल्सो 30 एमएम का। तो मतलब डायामीटर और ये दोनों 30 एमएम के है, और इसकी लेंथ जो होती है, जो ये आपने टेक्निकल टीम से बात करी थी क्या लेक्चर 19 की, टेक्निकल टीम की जो हमारी हेड होती है वो छुट्टी पे है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, मैंने उनको कॉल किया था बट वो आंसर नहीं आया, तो कल तक आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 2 था ना सॉइल का, तो मैं बात कर लूंगा उनसे। अभी बात आती है यहां से कि ये जो इसकी लेग्स होती है, ये कितनी डायमेंशन की होती है, That is 165 mm। हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं कि अपने इस मोल्ड को सीमेंट से भर देते हैं। ऑब्वियसली जिस सीमेंट का टेस्ट करना है, पहला स्टेप क्या करते हैं हम, फिल मोल्ड विद सीमेंट एंड ऑल्सो हैव अ कंसेंट्रेशन, कवर इट विद ग्लास प्लेट्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम
टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम से इसको हम ग्लास प्लेट से कवर अप कर देते हैं। क्यों करते हैं हम इसको ग्लास प्लेट से कवर अप? जैसे मैंने कहा ये मेरा मोल्ड है और मैंने मोल्ड को सीमेंट से भर दिया तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्लास प्लेट लगाता हूँ। क्यों? ताकि सरफेस एकदम प्लेन रहे और किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वॉइड क्रिएट ना हो सके, यूनिफॉर्मिटी रहेगी ना। तो मैंने कहा क्यों हम ग्लास प्लेट से कवर अप करते हैं इसको ऊपर नीचे? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, एक्स्ट्रा वॉइड्स नहीं आएंगे बाहर से, नो एक्स्ट्रा वॉइड्स फ्रॉम आउटसाइड, एक्स्ट्रा वॉइड्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरी बात आती है कि आप लोगों ने क्या करा, उसको भर दिया और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं तीसरे स्टेप में? अलाउ इट टू ड्राई, अलाउ इट टू ड्राई, अलाउ इट टू ड्राई फॉर 24 आवर्स एंड आफ्टर द ड्राइनेस, आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन द आर्म्स। मेरी बात को समझना। आफ्टर दैट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स, दोनों आर्म्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये आप लोगों का मोल्ड है और ये मोल्ड के आर्म्स है, तो ये जो भी इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, लेट इट बी द एक्स वन एम एम, जो भी डिस्टेंस आया आपने उसको कहा दिस इज द एक्स वन एम एम, गॉट इट। अब आप क्या करेंगे, यू हैव अ वॉटर, आपको क्या करना है कि एक बॉइल्ड वॉटर है, एक बॉइल्ड वॉटर है आपके पास, बॉइल्ड वॉटर है और वो बॉइल्ड कितने देर के लिए हुआ है? बॉइल्ड फॉर हाफ आवर, बॉइल्ड फॉर आधा घंटा, ऑन बॉइलिंग पॉइंट आधे घंटे के लिए, अप टू बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग एक पानी को आधे घंटे के लिए उबाल रहे हैं और उस उबलते हुए पानी के अंदर अब इस सैंपल को रख दो, उबलते हुए पानी के अंदर अब इस सैंपल को रख दो, ठीक है। तो बॉइल्ड वॉटर है आपके पास, उसके बाद आपने क्या करा कि प्लेस द सैंपल अलोंग विद द एपरेटस, प्लेस द सैंपल अलोंग विद एपरेटस। ये बच्चों को कंफ्यूज होती है कि हम सीमेंट को अलग से निकाल के रखेंगे, नहीं, एपरेटस के साथ ही रखेंगे, अलोंग विद एपरेटस इन द वॉटर, इन वॉटर एंड यानी फॉर कितने घंटे के लिए रखेंगे हम उसको? हम उसको 3 घंटे के लिए रखते हैं, फॉर 3 आवर्स, एंड अलाउ इट टू कूल, उसको फर्दर हम कूल होने के लिए रखते हैं, अलाउ इट टू कूल फॉर हाफ आवर। हमने क्या करा, आधे घंटे बाद उसको ठंडा कर लिया। देन हम क्या कर रहे हैं, अगेन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स। हम लोगों ने फर्दर वो डिस्टेंस नापा बीच का, डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स। तो अब जो उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, अब जो उसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज समवट ग्रेटर देन एक्स वन, लेट इट बी द एक्स टू एम एम। सो अभी साउंडनेस कहीं ना कहीं खराब हुई है, सीमेंट एक्सपेंड कर रही है, जब तो आर्म्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो आई कैन से दैट कि अनसाउंडनेस का क्या फॉर्मूला बनेगा यहां पर आप लोगों का, अनसाउंडनेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स टू माइनस एक्स वन। अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सभी को आना चाहिए, थम्स अप यस कुछ भी लिखो, बट सभी को आना चाहिए, कोई छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चले अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके आप लोग लिख लेना कि इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपीसी ओपीसी, इसी के साथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसी के साथ प्यारे दोस्तों पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट पीएससी लिख लो ये पूरा, इसी के साथ हम लोग लिखेंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इन सब की जो आपकी मैक्सिमम साउंडनेस है वो कितनी है, एक्सपेंशन लिमिट कितनी है इनकी? 10 mm की एक्सपेंशन लिमिट कितनी है? 10 mm तक की एक्सपेंशन लिमिट है। आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लो हीट सीमेंट और आई विल से दैट यहाँ पर सुपर सल्फेटेड सीमेंट, आई विल से दैट हेयर सल्फेटेड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इन सब के लिए आप लोगों की कितनी है? 5 mm की है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने एक गलती करी है और तुम उस गलती को पकड़ोगे, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ, बहुत आज तक का मैं आपको फैक्ट बताऊं, आज तक का मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं, हमेशा कहता हूं मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम,
और मुझे ये याद करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि दिल से इंजीनियर हूं, रट्टा मारना मुश्किल है। लेकिन प्यारे दोस्त, रीजन भी तो हर चीज का होता है ना। इफ आई एम गेटिंग द रीजन देन आई कैन लर्न इट वेरी वेल। एक चीज समझ में आ रही है, नीचे जो भी सीमेंट आ रही है, नीचे जो भी सीमेंट आ रही है, ये सारी की सारी सीमेंट जो है ये वो सीमेंट है जिनके अंदर हीट कम निकलती है, ये वो सीमेंट है जिनके अंदर सभी में हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस है। सर, जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस है, जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस है, आई कैन से दैट रिएक्शन रेट लेस है। रिएक्शन का रेट लेस है, ऑब्वियसली रिएक्शन रेट लेस है। आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, रिएक्शन रेट अगर लेस है ना तो एक्सपेंशन भी ज्यादा नहीं होगा। रिएक्शन ही नहीं करेगा तो एक्सपेंशन कहां से करेगा? एक्सपेंशन रिएक्शन के बाद ही तो आएगा ना, कम है तो कम देगा। तो मैंने कहा 5 mm है। अब ऊपर वाली जितनी भी सीमेंट है ये वो है जिनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हाई है। ऊपर वाली जितनी भी सीमेंट है ये वो है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसा है, हाई है। इतना मुझे समझ में आ चुका है और मेरे प्यारे बंधु समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है। तो तुम्हें अब ये बताना है कि मैंने गलती करी है, मुझे जल्दी से ये बता दो, तुम इंजीनियर हो, होशियार हो, ये बताओ कि गलती कहां हुई है। कहां जी रहे हो? कमेंट नहीं आया मेरे पास तुम्हारा, जल्दी करेंगे। कहां हो? हाँ देखो, तुम्हें समझ में आया ना, स्लैग सीमेंट जो होता है वो हीट कम देता है, तो मैंने स्लैग सीमेंट को 10 mm की नहीं दे सकता स्लैग सीमेंट। अरे धीरेन्द्र कहां जी रहे हो भाई, सारी रामायण सुना दी मैंने, लास्ट में कहा था रावण कौन है ये पहचानो, और तुम कह रहे नो आइडिया, क्या कर। अब तुलसीदास जी को कितना बुरा लगेगा, पूरी रामायण रामचरितमानस के रूप में आपको दे दी और उसके बाद आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो गलत है। तो बाय द वे यहां पर आपको कितना समझ में आ चुका है कि जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, हीट कम है, ये क्या हुआ? ओ ये क्या हो गया? गाइस शक्ल नहीं आ रही है बट आवाज आ रही है, एक मिनट बताना यार, शक्ल नहीं आ रही है बट आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। आ रही है तो लेक्चर कंटिन्यू कर दूंगा, शक्ल से तो कुछ नहीं लेना, लेक्चर कंटिन्यू कर देता हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ और लेक्चर के बीच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसका, लेक्चर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है? चलो, तो अभी यहां पर मैं एक सीमेंट को लिखना चाहूंगा, यहां पर मैं क्या लिखना चाहूंगा बंधु, यहां पर लिखना चाहूंगा व्हाइट सीमेंट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, व्हाइट सीमेंट यहां पर आ सकती है। और यहां पर लिख देता हूँ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यहां लिख देता हूँ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। चल, अब मेरी बात आती है इसके बाद, आर सेकंड टेस्ट इज व्हाट? आर सेकंड टेस्ट इज द ऑटोक्लेव टेस्ट, आर सेकंड टेस्ट इज द ऑटोक्लेव टेस्ट, गॉट इट? सो व्हाट इज द, सर पीछे बोर्ड की चमक दिख रही है, नहीं लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई। हा, क्विक सीमेंट जो है वो किसमें लिखेंगे आपके अकॉर्डिंग, जिसमें रिएक्शन रेट ज्यादा है, एक्सपेंशन ज्यादा होगा ना भाई, तो धीरज कुमार ऊपर जाएगा, 10 mm का आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है? चलो ऑटोक्लेव टेस्ट को पढ़ते हैं। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं कि अ मोल्ड ऑफ साइज व्हाट, 25 by 25 by 250। और कई बारी मैं आपको बताऊं, किसी किसी किताब में और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और 25 by 25 by 280, दोनों मोल्ड चलते हैं, 25 by 25 by 250 mm का और 25 by 25 by 280 mm का मोल्ड फिल्ड विद सीमेंट, अपने सीमेंट से उसको फिल्ड कर दो, फिल्ड विद सीमेंट। सेकंड स्टेप क्या था? अलाउ इट टू कूल डाउन फॉर 24 आवर, ऑब्वियसली ना ठंडा तो उन्हें रखेंगे, अलाउ इट टू कूल डाउन फॉर 24 आवर, ठीक है? अब मेरे प्यारे दोस्तों तुमने क्या करना है, उसको सूखने के बाद प्लेस मोल्ड इन द ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव एक तरह की भट्टी है, एक तरह का ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव एक तरह का आपका ओवन की तरह है और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तुम्हें समझ में आ जाएगा, इट इज अ काइंड ऑफ ओवन, ठीक है? देखने में भी वैसा ही लगता है। प्लेस इट इन, प्लेस सैंपल, ऐसा लिख लो, प्लेस सैंपल इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर अपने सैंपल को रखो, सो दैट इट विल बी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ स्टीम प्रेशर। मैं ये लाइन दो बारी लिखूंगा,
और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और मैं तुम्हें एक टेक्निकल चीज बताऊंगा अभी। इट विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्टीम प्रेशर। देखिए क्या होता है यहाँ पर कि ऑटोक्लेव के अंदर ना आपकी स्टीम की वजह से प्रेशर जनरेट करने की ताकत होती है। हाँ, तो क्या होता है वहां पर, आपने सुना होगा स्टीम क्यूरिंग। तो स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है कि हम लोग क्यूरिंग करते हैं स्टीम की मदद से करते हैं, ठीक है। तो वही स्टीम क्यूरिंग ऑटोक्लेव में चलती है, वैसा ही चलता है कुछ। तो मैंने कहा कि इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टीम प्रेशर, और वो स्टीम प्रेशर में क्या होता है, नाउ इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू 1. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू 2.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर आप लोगों का टोटल क्या हो रहा है वहां पर, आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो, ठीक है, आधे घंटे के अंदर। उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप लोग निकाल लेते हो। हाँ, उसके बाद रिमूव द सैंपल फ्रॉम द ऑटोक्लेव, रिमूव मोल्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव एंड लेडीज एंड जेंटलमैन प्लेस इट इन सॉल्यूशन या फिर वॉटर, नहीं ऐसा कहूंगा, प्लेस इट इन वॉटर हैविंग द टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। अब मैं उसको 90 डिग्री सेल्सियस के पानी में रख रहा हूं फॉर आधे घंटे के लिए। अब टेक्निकल चीज जो मैं बताना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करना। आधे घंटे के लिए तुमने रखा, जो भी रिएक्शन होनी थी हो गई, मेजर थिंग इज रिएक्शन, जो भी खेल चल रहा है वो रिएक्शन का चल रहा है, आपको समझ में आ चुका है ना। तो मैंने कहा कि तुमने उसको मोल्ड में से निकाला, मतलब ऑटोक्लेव में से निकाला और मोल्ड को पानी में रखा जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था, आधे घंटे के लिए रखा, रिएक्शन सब हो गई, ठंडा होने के लिए आपने रख दिया, लेट इट बी कूल डाउन, एंड आफ्टर कूल डाउन अगेन मेजर द डायमेंशन ऑफ द मोल्ड, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा देयर इज समवट डिफरेंस इन द डायमेंशन व्हिच इज प्रीवियस एज वेल एज दिस। तो यहां पर मुझे अनसाउंडनेस का डाटा पता लगता है, समझ में आ गया, पूरा प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। अब इसी के साथ नोट करके मैं क्या बताना चाहता हूं कि फॉर एनी टाइप ऑफ द सीमेंट, किसी भी सीमेंट की टाइप की बात करता हूं, फॉर एनी टाइप ऑफ द सीमेंट दिस शुड बी व्हाट, साउंडनेस जो है, एक्सपेंशन जो है वो आप लोगों का 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.8%। आई एम गिविंग यू वन क्राइटेरिया हेयर, व्हाट डू मीन बाय 0.8%? आई एम सेइंग दैट कि 0.8% का मतलब होता है 0.8% ऑफ व्हाट, सपोज 25 और 0.8% ऑफ 250। हाँ, तो किसी भी हालत में ये 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन, that doesn't mean, ठीक है, ये चीज क्लियर आ चुकी है और तुम्हें प्रोसीजर समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन यहां बनता है टेक्निकल, जो कि मजा आएगा सुनने में, कि ऑटोक्लेव में ऐसा क्या था, वो तुम आंसर करो कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरा साथ पकड़ चुके हो और तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैं बातों बातों में क्या समझाने की कोशिश करता हूं, और 0.8% किसका, नरपत माले फिर रह गए तुम, मैं समझा चुका हूं। व्हाट डू मीन बाय द परसेंटेज, डायमेंशन का ही तो देखेंगे भाई, मेजर क्या कर रहे हो अभी, मेजर क्या कर रहे हो, डायमेंशन ऑफ द मोल्ड। तो 0.8% या तो 25 का होगा या 250 का होगा, मतलब डायमेंशन ही तो थी मोल्ड की ना, 25 बाय 25 बाय 250, तो इनमें से किसी भी डायमेंशन का 0.8% ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कहता हूं, why autoclave able to measure soundness due to lime and magnesia both, दोनों के कारण। तो ऐसा क्या लिखा तुमने ड्यू टू, हाँ ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या लगा तुम्हें दोनों में
कि ये दोनों के कारण मेजर कर रहा है वो वाला नहीं कर रहा है, ऐसा क्या लगा तुम्हें जल्दी से मुझे बताओ। मतलब दोनों का प्रोसीजर तुमने जाना और एक एक चीज को तुमने जाना, ऐसा क्या लगा तुम्हें कि वो मेजर कर रहा है और ये नहीं कर रहा। और सुमित भाई मैंने तुम्हारा वो यूट्यूब पे वीडियो देखा था यार, ऐसा ही था, बढ़िया पढ़ा रहे थे। बट मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपको, कुछ नहीं है ये यूट्यूब, ठीक है, जिस एम में लगे हुए हो उसी एम में लगो। एक बारी अगर यूट्यूब में घुस गए, पढ़ाई नहीं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, कोशिश करो कि ये यूट्यूब आज से एक साल बात कर लेना, पूरी जिंदगी है इसके लिए। और मैं सही एडवाइस दे रहा हूं, मतलब ठीक है, बाकी मर्जी है। अभी बात आती है यहां पर कि ऑटोक्लेव में ऐसा क्या करा हमने। ऑटोक्लेव के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटोक्लेव के अंदर हम लोगों ने जानी ये चीज कि ऑटोक्लेव में वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर। ऑटोक्लेव में वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर एंड यू नो दैट कि विद द हेल्प ऑफ दैट हाई टेम्परेचर आई कैन से दैट रिएक्शन रेट विल बी गोइंग टू हाई एंड ड्यू टू हाई रिएक्शन रेट मैग्नीशिया जो कि बहुत कम फैक्टर था साउंडनेस में, मैग्नीशिया साउंडनेस को एक्सेस में कंट्रोल कर रहा था, वैसे मैग्नीशिया नहीं आ रहा था साउंडनेस पे, लेकिन जब एक्सेस हो रहा था तो साउंडनेस की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर रहा था, सॉरी मतलब हाँ ठीक है, तो मैग्नीशिया कंट्रोल हो रहा था। सर मैं कह सकता हूं कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसके डीप पॉइंट में जा रहे हो, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर रहे हो, तो मैग्नीशिया जो सुस्त बैठा हुआ था अभी उसको तुम एक्टिव बना रहे हो। अगर मैग्नीशिया एक्टिवनेस बढ़ा रहा है अपनी, इसका मतलब साउंडनेस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, हेंस ऑटोक्लेव कैन बी एबल टू मेजर द मैग्नीशिया एंड लाइन बोथ। समझ आया कि नहीं आया, यस करके लिखेंगे। प्रिपेयर द सैंपल ऑफ प्रिपेयर सैंपल ऑफ 1:3 प्रिपेयर सैंपल ऑफ 1:3 मोर्टार, भाई जिसमें आपको टेस्ट करना है उसका आपने सैंपल बनाया। वन इज द सीमेंट, वन इज व्हाट, वन इज द सीमेंट, थ्री इज द सैंड, थ्री इज द सैंड, इसका आपने एक मोर्टार बनाया। हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना, हैविंग 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 वाटर ऑफ, हैविंग वाटर अबाउट कितना, हैविंग वाटर अबाउट P/5 प्लस में 2.5%, P/5 प्लस में 2.5%, वेयर P इज व्हाट, जल्दी मुझे बताएंगे P क्या होता है, P क्या होता है जल्दी मुझे बताएंगे, कंसिस्टेंसी, P क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, हम लोगों ने कल जाना था ना कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में, वो है मेरा P। ये क्वेश्चन आपका IES में 2 बार पूछा जा चुका है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों का जे के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, वही चीज है कि allow it to cool for 24 hours, allow it to cool for 24 hours and temperature कितना होना चाहिए जिस temperature में इसको आप ठंडा करने के लिए रख रहे हैं, that is the 27 plus minus 2 degree Celsius। relative humidity कितनी रखते हैं हम generally, जल्दी से relative humidity में आपको बताना चाहता हूं, आप यहां पर JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलेंगे 100% होती है, लेकिन अगर आप AE की तैयारी कर रहे हैं तो 100% कभी पॉसिबल ही नहीं होती, हम कहते हैं 90% होती है, ठीक है ना, तो ये आपको मानकर चलना है। आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर, अब उसको एपरेटस को उठाना है, यूटीएम पर रखना है, एपरेटस को उठाना है, यूटीएम पर रखना है। अब कितने ब्रिकेट तैयार करने थे, पहली बात तो ये, हाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, भाई देखो क्या होता है कि तुम्हें पता है कि तुम मोटार की क्यूरिंग करते हो, मोटार की क्यूरिंग करते हो ना, उसको पानी में डुबाते हो, मोटार की क्यूरिंग करते हो तो पानी में डुबाते हो, तो आसपास सारा पानी पानी है, आसपास सारा पानी पानी है, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि सराउंडिंग एनवायरमेंट में पानी कैसा है, सराउंडिंग एनवायरमेंट में पानी कैसा है, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है कि हाउ मेनी ब्रिकेट्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ मेनी ब्रिकेट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ मेनी ब्रिकेट्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड, दैट इज 6। ये बात आपको याद रखनी है, अभी यहां पर कौन सा पॉइंट है, ये अप्लाई लोड, तीसरे पॉइंट में मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं,
अप्लाई लोड ऑफ 0.7 न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस लोड को आपको अप्लाई करना है टिल फेलियर, ठीक है ना, टिल फेलियर। तो तुम लोगों को पता है कि तुम टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाल सकते हो, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी बात आती है यहां पर, ओरिजिनली हम लोग क्या करते हैं, ये जनरली हमें कितना कितना लोड लगाना होता है, ये पर मिनट में नहीं चलता। सही बताऊं तो मैंने पर मिनट इसलिए लिखवाया आपको क्योंकि यूपीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कितने हिसाब से लोड लगाया जाता है, बट ओरिजिनली ये पर मिनट नहीं चलता। तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज द एक्सेप्शन, लिख लो, या इसको ओरिजिनली ऐसा लिख लो, एक्चुअली लोड कितना लगाया जाता है, एक्चुअली जो लोड लगता है आपका वो लोड कितना लगता है, 0 से 0.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक इंक्रीज होता है, दैट इज द इंक्रीजिंग लोड। लोड कैसा होता है, इंक्रीजिंग लोड होता है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 0.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एक रेट होता है ना, किस रेट से चलना है, 0 to 0.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन 12 सेकेंड, 12 सेकंड में आप लोगों का ये आगे चलता है, ये चीज आपको ठीक है। तो समझ आया, एक बार थम्स अप या यस करके लिखना, ये एक चीज क्लियर। सर इसका मोल्ड का साइज, ब्रिकेट के मोल्ड का साइज लिखोगे, लिखवा देता हूँ भाई, वैसे बहुत मतलब बहुत ही रेयर चीज पूछेगा, अगर पूछेगा तो कभी लिख लो साइज ऑफ द ब्रिकेट। भाई ब्रिकेट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी आती है टोटल, इसकी लेंथ जो होती है मेरे पास वो कितनी आती है टोटल, 50.8 mm के आसपास, ये इसका साइज होता है। आगे मेरी बात आती है कि ये जो साइज है ये कितना आता है, दैट इज नियरली अबाउट 44.5 mm ये, बट आई विल सजेस्ट नो नीड टू लर्न, जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा, तुम्हारे कोर्स में भी नहीं आई है, बस मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसके बाद मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि वी नीड टू गो विद द फाइननेस टेस्ट आल्सो, वी नीड टू गो विद द फाइननेस टेस्ट आल्सो ऑफ द सीमेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइननेस, जल्दी से मुझे एक चीज बताओ फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा इससे रिलेटेड, अच्छा रहेगा। जल्दी मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द फाइननेस, अरे ये तो सबको पता होना चाहिए। What do you mean by the fineness? बारीकी मतलब स्मॉल साइज पार्टिकल, ऐसा कह सकते हो ना, महीन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। बात आती है यहां पर जनरली, why do we need to measure the fineness of the cement? Why do we need to measure the fineness of the cement? I won't tell you the what deep reason. I just tell you one thing, ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये आपके कोर्स में प्रोसीजर नहीं है और मैं इसका प्रोसीजर भी नहीं बताने वाला, बहुत मतलब ये IAS के सिलेबस में है, बस आपके सिलेबस में नाम आता है तो मैं नाम बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी हाँ, ये देखो नरपत माली ने बताया कि 1 ग्राम सीमेंट को कितने एरिया में फैला सकते हैं, दैट इज एक्चुअली द फाइननेस, ये इसका मतलब होता है सही में कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम सीमेंट, 1 ग्राम सीमेंट कितना ऑक्यूपाई करता है एरिया, दैट इज एक्चुअली द फाइननेस ऑफ द सीमेंट, ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन आती है। अभी बात आती है कि हम फाइननेस ऑफ द सीमेंट को, वन थिंग यू शुड बी नोटेड हियर, कि फाइननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, जितना ज्यादा फाइननेस होगा उतनी ज्यादा आपकी सीमेंट की वर्केबिलिटी होगी, ये बात आपको याद रखनी है, जितना ज्यादा फाइननेस होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी आएगी। इसके बाद बात आती है कि हाउ डज इट मेजर, फाइननेस कैसे मेजर कर सकते हैं। फाइननेस जनरली प्यारे दोस्तों आप लोग 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला आपके पास आता है, दैट इज द सीव एनालिसिस टेस्ट, दैट इज द सीव एनालिसिस टेस्ट। दूसरा आपके पास यहां पर आता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट, दूसरा आपके पास आता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट, क्या बोला, दूसरा आपके पास आता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज नोन टू बी सेडिमेंटेशन टेस्ट, दैट इज द वाग्नर टर्बिडिटी मीटर। 3 तरीके से आप जनरली अपनी फाइननेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि व्हेन यू आर गोइंग विद द एयर परमिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पर कौन से वाला मेथड काम में आता है, ये जरूरी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। एयर परमिबिलिटी टेस्ट हम किससे करते हैं? ब्लेन एंड नर्स एपरेटस से, ब्लेन एंड नर्स एपरेटस से। क्यों? क्योंकि नर्स नाम के एक इंसान ने इसको फाइंड आउट करा था, इसलिए इसका ब्लेन एंड नर्स मेथड है और कुछ नहीं है। सेडिमेंटेशन टेस्ट हम किससे परफॉर्म करते हैं? वागनर टर्बिड मीटर, वागनर टर्बिड मीटर से हम लोग अपना सेडिमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तुम्हारे कोर्स में सिलेबस नहीं है ये, इसका प्रोसीजर नहीं है, सो आई वांट टेल यू द प्रोसीजर ऑफ दिस, ठीक है। सीव एनालिसिस का आता है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ और वो इंपॉर्टेंट भी बनता है आपके लिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सीव एनालिसिस में क्या होती है, सीव एनालिसिस तुम लोगों को पता है, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अपना एक सैंपल लेते हो तुम लोग सैंपल लेते हो 100 ग्राम, 100 ग्राम सैंपल की तुम सीविंग करते हो, 100 ग्राम सैंपल की तुम सीविंग करते हो। अभी सीविंग करते हुए साइज कितना होना चाहिए सीविंग का? दैट इज नो नंबर सीव। नो नंबर सीव का मतलब होता है 90 माइक्रोन सीव। 90 माइक्रोन सीव से तुम उसकी सीव करते हो, कितने टाइम के लिए सीव करते हो, तो ये चीज तुम्हें पता है क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे मेरे दोस्तों, कितने टाइम के लिए सीव करी जाती है ये? मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कितने टाइम के लिए सीव करी जाती है ये? फॉर 15 मिनट, ठीक है। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो मटेरियल आपका छन जाता है आप उसका वेट कर लेते हैं, पास्ड आउट मटेरियल, पास्ड मटेरियल का आप लोग वेट कर लेते हैं, पास्ड मटेरियल का आप लोग वेट कर लेते हैं और बस पास्ड मटेरियल का वेट करते हैं और उसी के बेसिस पर आप लोग अपना फाइनेस कैलकुलेट करते हैं, यूज टू कैलकुलेट द फाइनेस, यूज टू कैलकुलेट फाइनेस। बस एक छोटा सा नोट करके लिखना है यहाँ पर, जनरली फाइनेंस दो तरीके से कंडक्टेड है, फाइनेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू वेज, फाइनेंस जो है आप लोगों की, फाइनेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू वेज, दो तरीके से आपकी फाइनेंस कैरेक्टराइज करी जा सकती है। पहला तो होता है साइज ऑफ द पार्टिकल, मतलब कितना साइज ऑफ द पार्टिकल आपका आ रहा है, पहला तो होता है साइज ऑफ द पार्टिकल। दूसरा होता है आप लोगों का स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, मतलब कितना सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे, दैट इज आल्सो एबल टू एलैबोरेट द फाइनेस्ट टर्म, है ना। तो आई विल राइट वन नोट हियर कि जो आपका सीव एनालिसिस होता है, जो आपका सीव एनालिसिस मेथड होता है, सीव एनालिसिस मेथड जो आपका होता है, यूज्ड टू गिव साइज ऑफ द पार्टिकल, ये साइज ऑफ द पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो भी आप लोगों के ये एयर परमेबिलिटी एंड वागनर टर्बिडिटी था, एयर परमेबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन टेस्ट, एयर परमेबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन टेस्ट जो है, ये आप लोगों का टोटल स्पेसिफिक सरफेस एरिया के इंफॉर्मेशन देता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की इंफॉर्मेशन देता है, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब इसी के साथ मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट और रह चुका है, दैट इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आता है मेरा आगे, भाई सबसे पहली बात तो यही आती है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर आप लोगों को करना क्या होता है, मोर्टार बढ़ाया था क्या? नहीं, चलो बढ़ा दो। होता क्या है यहाँ पर, नो नंबर ऑफ आप करते क्या है, प्रिपेयर द मोटर, पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रिपेयर मोटर ऑफ 1:3 रेशियो, प्रिपेयर मोटर ऑफ 1:3 रेशियो। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर आता है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनते हैं यहाँ पर, फिल द मोटर इन द क्यूब्स, फिल इन क्यूब्स ऑफ साइज, व्हाट ऑफ साइज, कितना साइज होता है, जल्दी से आप लोगों को अगर याद हो तो जल्दी मुझे बताइएगा कितना साइज होता है मेरे प्यारे बंधु। प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि इसमें पानी कितना होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ द वॉटर इन द
सीमेंट शुड बी कितना होना चाहिए, अमाउंट ऑफ द वाटर सीमेंट के अंदर कितना होना चाहिए, दैट इज पी बाय 4 प्लस में 3, ठीक है, पी बाय 4 प्लस में 3% एंड वेयर पी इज द कंसिस्टेंसी। अभी मेरी बात को समझने का प्रयास करना, यहां से ये सीमेंट आपने प्रिपेयर कर लिया, नो नंबर ऑफ क्यूब्स आपने भर लिए, कितने सिंपल लिखो 9-8 नंबर, नो नंबर ऑफ क्यूब्स आप लोगों ने भर लिए, सूखने के लिए रख दिया 24 घंटे बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई लोड यूटीएम पर रखेंगे और लोड अप्लाई करेंगे किस रेट से, एट द रेट ऑफ 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस रेट का लोड अप्लाई करेंगे और इस रेट के लोड अप्लाई करने के बाद चीज एकदम आपके सामने है। डायरेक्टली मैं यहां से कह सकता हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, दैट इज लोड अपॉन एरिया। अभी बात आती है यहां पर छोटी सी चीज, ये जो नो नंबर ऑफ क्यूब्स थे, ये जो आपके नो क्यूब्स थे, हम इसको किस तरह से टेस्ट करते हैं। देखो होता क्या है प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोगों के नो क्यूब है, हम इसको किस किस दिन पे टेस्ट करते हैं, 3 क्यूब तो आपके होते हैं 28 दिन पर टेस्ट, 3 क्यूब आप लोगों के होते हैं 28 दिन पर टेस्ट, 3 क्यूब आप लोगों के होते हैं 7 दिन पर टेस्ट, 3 क्यूब आप लोगों के होते हैं 7 दिन पर टेस्ट, और 3 क्यूब आप लोगों के होते हैं 3 दिन पर टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन नोन क्यूब्स को डिवाइड करते हैं। फाइनल स्ट्रेंथ हम कौन सी लेकर चलते हैं, फाइनल स्ट्रेंथ जो हम लेकर चलते हैं वो ली जाती है 3 क्यूब 28 दिन वाले की, फाइनल स्ट्रेंथ जो ली जाती है वो ली जाती है एवरेज ऑफ 3 क्यूब स्ट्रेंथ, एवरेज ऑफ 3 क्यूब स्ट्रेंथ एट 28 डेज, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो इससे नोट्स है वो लोगों तक आ क्यों नहीं रहा था क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मतलब हर टीचर का अपना प्लेटफॉर्म होता है ना, तो मेरा प्लेटफॉर्म अपडेट हो रहा है, तो शायद आज रात तक अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद इसके नोट्स भी दे दूंगा और उसके बाद इसकी क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, ठीक है। सीमेंट खत्म हुआ, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया फाइनली, और मैं आया बस 1 मिनट में, आप लोग 2 मिनट का सबर करेंगे, आया बस, ठीक है। एक मिनट से पहले ही आ गया, अभी अगला टॉपिक कौन सा करना है। देखो भाई जो नोट्स होता है आपने फॉलो कर रखा है ना मुझे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं ब्रेक तो किसी दिन डिटेल में वैसे ही पढ़ेंगे, आज फीवर लग रहा है पढ़ाने में। अगला टॉपिक कर दे मोर्टार के बारे में, क्वेश्चन बैंक भी यही मिलेगा, यस यही मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक भी। स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक आता है मेरा मोर्टार का। Now, what is the mortar? Everybody knows that. Mortar क्या होता है? Sir, mortar is defined as the mixture of cement, sand, and aggregate. Cement, sand और aggregate का mixture होता है along with water, water के साथ। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि हम लोगों का generally हम water कितना लेकर चलते हैं? Generally हम लोग water cement ratio कितना लेकर चलते हैं अपने mortar के अंदर? चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होगी। मैं एनर्जेटिकली नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ छोड़ूंगा भी नहीं, कुछ नहीं समझ आएगा तो प्लीज कमेंट कर लेना, ठीक है। बात आती है यहाँ से कि वाटर सीमेंट रेशियो जनरली हम लोग कितना रखते हैं। आप लोगों ने ये चीज आई एस स्कूल में पढ़ी होगी और मैंने आरसीसी में आपको पढ़ाई थी, जनरली हम लोग 0.42 लेकर चलते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो हम कितनी रखते हैं? 0.42, आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि जनरल रेशियो ऑफ द मोर्टार
हम लोग कितनी लेकर चलते हैं, सॉरी एग्रीगेट नहीं आता यहाँ पर, जनरल रेशियो ऑफ द मोटर हम लोग कितनी लेकर चलते हैं भाई, 0.6 में ही रखते हैं। आरसीसी के टाइम पर कंक्रीट में रखा जाता है, सूरजपाल आप जो बोल रहे हो कंक्रीट में रखा जाता है, बट इट इज द मोटर, ठीक है, तो कंक्रीट में तो झेल लेता है, एग्रीगेट होता है, बट इफ यू पुट 0.6 देन बहने लग जाएगा, और बहती हवा सर था मेरा मोटर जो कि मेरे काम नहीं आया, क्योंकि हवा को मैं पकड़ नहीं पाया, ठीक है, तो 0.4 लू मैक्सिमम, ठीक है सूरजपाल, समझ आया सूरजपाल, क्लियर हुआ क्या? जनरल रेशियो ऑफ द मोटर कितनी रखी जाती है, हम लोग लेकर चलते हैं प्यारे दोस्तों अकॉर्डिंग टू कोड, मैं जो भी बता रहा हूँ कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, 1:2 से लेकर 1:6 तक की हम रेशियो लेकर चलते हैं, वेयर 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 वेयर, ये वन जो है ये है सीमेंट एंड टू इज द सैंड, टू इज द सैंड, सो दिस इज ऑल्सो सीमेंट, दिस इज ऑल्सो सैंड, गॉट इट। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि मोटर तो तुम लोगों को समझ में आ चुका है और सब कुछ क्लियर है, मेजर थिंग इज की क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटर, अगला पॉइंट आता है मेरा, अगला जो टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, हाउ द मोटर इज बीइंग क्लासिफाइड, हाउ द मोटर इज बीइंग क्लासिफाइड। सर मोटर किसी एक तरीके से क्लासिफाई नहीं होता, मोटर को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो आता है इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला होता है इसके यूनिट वेट पर, पहला होता है इसके यूनिट वेट पर, दूसरा होता है इसमें लगे मटेरियल के बेस पर, दूसरा होता है इसके लगे मटेरियल के बेस पर, तीसरा होता है इसके यूसेज के बेस पर, तीसरा होता है जनरली इसकी यूज के बेस पर, चौथा होता है प्यारे दोस्तों की आप लोगों की प्रपोर्शंस के बेस पर भी हम इसको लेकर चलते हैं, लेकिन वो जनरली हम लिखते हैं, ठीक है, तो मेजरली तो ये तीन ही होता है, बाकी आप लोग इनका ध्यान रखना, और क्लासिफाई तो हम जनरली ये तीन के हिसाब से करते हैं, और एक चौथा सब कैटेगरी बना देते हैं, दैट इज द स्पेशल मोटर, दैट इज द स्पेशल मोटर, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कोर्स में नहीं है, बट मैं छोड़ूंगा भी नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो आपका मोटर होता है प्यारे दोस्तों, यूनिट वेट, जो भी मटेरियल लगाया गया है और उसके यूसेज, इन तीनों के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। चलो तो कैसे कैसे क्लासिफाई होते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट। तो होता क्या है प्यारे दोस्त यहाँ पर कि दो तरह के मोटर आते हैं, वन इज द लाइट मोटर, वन इज द लाइट मोटर जिसका यूनिट वेट या फिर डेंसिटी कुछ भी कह लो, जिसका यूनिट वेट जो होता है प्यारे दोस्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका यूनिट वेट जो होता है वो कितने से कम जाता है आप लोगों को अगर याद हो तो, लेस देन और इक्वल टू 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट वेट जो होता है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम जाता है। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि ये जनरली बना किससे होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ द लाइट एग्रीगेट्स, इट इज मेड अप ऑफ द प्यूमिस स्टोन्स, हाँ प्यूमिस स्टोन्स जो होते हैं उनका आपका लाइट मोटर बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात आती है कि सेकेंड वन कैटेगरी इज द हाई है heavy motor, light motor and the heavy motor, second one category. Now I know that unit weight इसका कितना होगा, इसका unit weight कितना होगा आपका, इसका unit weight होगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा, ठीक है। आगे मेरी बात आती है बना किस चीज से होता है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्स, ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। छोटा सा नोट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि हैवी मोटर और लाइट मोटर का जनरली हम लोग बेसिकली यूज कहां पर करते हैं, तो लाइट मोटर जो होता है, लाइट वेट मोटर, लाइट वेट मोटर जो आपका होता है दैट इज बीइंग यूज, ये चीज याद रखेंगे, लाइट वेट मोटर इज बीइंग यूज्ड, इज यूज्ड में, इज यूज्ड इन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, जितने भी हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं सभी लाइट मोटर की मदद से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वेयर एज जो आपका हैवी मोटर आता है, जो आपका हैवी वेट मोटर आता है वो कहाँ पर यूज आता है, इज यूज इन द थर्मल प्लांट्स, कहाँ यूज होता है आपका हैवी मोटर, हैवी मोटर आप लोगों का थर्मल प्लांट्स में
यूज होता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे की मेरी बात आती है यहाँ से कि इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल भी आता है। हाँ, मटेरियल के बेसिस पर भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मटेरियल के बेसिस पे हम लोग इसको कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं वो चीज लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल। पांच तरीके से आता है, पांच तरीके के बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल। पहला तो आपका आता है दैट इज द लाइन, पहला आता है लाइन मोटर। लिखा हूँ बीम के बारे में, बट ब्रैकेट में लिखते हैं ना, लाइन प्लस में सैंड जिसमें होता है उसको कहते हैं लाइन मोटर। दूसरा आता है आपका सीमेंट मोटर, जिसमें सीमेंट प्लस में सैंड आएगा। तीसरा आता है आप लोगों का गेज मोटर, जिसमें सीमेंट भी आएगा, लाइन भी आएगा और सैंड भी आएगा। मैं तुम्हें एक एक चीज इतनी डिटेल में पढ़ा दूंगा कि तुम लोग आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन आसानी से निकाल दोगे, मेरी गारंटी है, कुछ भी छूटेगा नहीं, इतना मेरा पक्का है, ठीक है। मतलब मेरे पास बहुत लेक्चर हैं, मैं सही बताऊं मुझे चाहिए थे बीएमसी के लिए मुश्किल से मुश्किल 8-9 लेक्चर, लेकिन मुझे बहुत अलॉट हुए, तो क्यों ना मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ा दूं। तो मैं तुम्हें इतना पढ़ा दूंगा मोटर कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इवन आईएएस के भी ले लेना, पूरा सिलेबस कवर अप कर दूंगा इसका। तो लाइन मोटर, सीमेंट मोटर, गेज मोटर, चौथा मेरे पास आता है सुर्खी मोटर, चौथा मेरे पास आता है सुर्खी मोटर। इसमें क्या होता है, सुर्खी प्लस में सैंड होता है। आगे मेरे पास आता है पांचवा, दैट इज नोन टू बी एज द जिप्सम मोटर, दैट इज नोन टू बी एज द जिप्सम मोटर। तो जिप्सम मोटर में क्या आ गया मेरे पास, जिप्सी प्लस में जिप्सम ही होता है, उसमें जनरली सैंड नहीं रखते जिप्सम मोटर में, जिप्सम ही आता है उसको कहते हैं जिप्सम मोटर, ठीक है। नहीं सर, लेस इज मोर का कंसेप्ट बेटर है, डिटेल में नहीं नफत माली, वो तो मैं लेकर ही चलूंगा, अपना वजूद थोड़ी छोड़ूंगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत 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 ज्यादा लेकर चलूंगा, नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीजें नहीं जानने को मिल जाती है तो अच्छा रहता है। लेस इज मोर का कंसेप्ट बेहतरीन है और मैं वो लेकर चलता हूँ, टेंशन ना लो, वो तो प्लस कोर्स में आने का हमारा एकमात्र एम ही यही है, तो उसकी टेंशन तो लेनी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी तो अच्छा रहेगा। बाय द वे एक बात बोलना चाहता हूँ यार, ऐसा लग रहा है फीवर हो गया है, और नॉट वेल टू टेक द क्लास, आई थिंक सो कि वी शुड टेक इट बाय टुमारो, आई विल एक्सपेंड दिस क्लास, ठीक है। मैं कल की क्लास 2 घंटे की कर दूंगा अगर होगी पॉसिबल तो, बट दिस क्लास सीम्स टू बी इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज ठीक नहीं लग रहा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई टेल यू ईच एंड एवरी टॉपिक, एग्रीगेट हो गया, ये हो गया, सो लाइन से करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आज के लिए कोऑपरेट करो, और शाम तक अगर मेरा सेक्शन अपडेट हो जाता है तो मैं आप लोगों को सीमेंट के और इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं हम के लिए। सो उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने बीएमसी के कंटेंट का जो भी सोचा होगा वो आपको 100% समझ में आया होगा और वो मिला भी होगा। जो आपको मुझसे एक डिमांड होती है वो डिमांड आपकी जरूर पूरी हुई होगी। और मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह के सेशन को पाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, प्लस और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए। और याद रखना, मेरे प्लस कोर्स में अगर आप आना चाहते हैं, इसी तरीके से डिटेल में अपने कंटेंट को जानना चाहते हैं, तो ये मेरा कोड है एनजी लाइव, इस कोड को याद रखना क्योंकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट में आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो बच्चे ध्यान रखना है, एनजी लाइव इज माय कोड। सो चलते हैं, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी, जय हिंद जय भारत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो खेलते रहो पढ़ते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, संस्कार पाते रहो। ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है और ज्ञान लेना है, क्योंकि ज्ञान ही वो एकमात्र चाबी है जो हमारे देश का विकास कर सकती है। और याद रखिएगा, देश का विकास ही आपका विकास है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करिए, जम के करिए, सीखिए और अप्लाई करिए, सिर्फ और सिर्फ देश की डेवलपमेंट करनी है, बिकॉज कंट्रीज डेवलपमेंट इज आर डेवलपमेंट, याद रखिएगा। और जेई बनने के लिए मैंने एकमात्र छोटी सी अपनी एक किताब निकाली है भैया, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इस किताब के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये मैंने शुरू में भी बताई थी, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को लेनी है, मेरे अकॉर्डिंग तो लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप बच्चों से एक बार इसके बारे में जानना, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि मेरे वन लाइनर कंसेप्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन उनके एग्जाम में फंसते हैं, तो मैं
सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि आपके पास अगर नोट्स हैं तो नोट्स पढ़िएगा, नहीं तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज इसके बारे में भी जरा देखना। सिर्फ आपके जेई बनने के रास्ते में जो कठिनाइयां होती है ना, जो बहुत मुश्किल मुश्किल सिलेबस होता है ना, वो खत्म हो जाएगा इसको लेने के बाद। अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इतना बोल रहा था, तारीफें नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। सो फिलहाल चलते हैं दोस्तों, बाय।